इन जाहिल ससुराल वालों ने किस सिलसिले में मिठाई भेजी? तुम्हारी सास के भाई की बात पक्की होने के सिलसिले में। उसमें जहालत की क्या बात है और आप इतना गुस्सा क्यों हैं? रिश्ते निभाने के, उन्हें चलाने के कोई तौर तरीके होते हैं। असूलन उन्हें चाहिए था कि कॉल करके मुझे पहले इत्तला देती, फिर उसके बाद मिठाई भेजती। नहीं भाई, उन्होंने तो मिठाई का डब्बा मुंह पे दे के मारा है, वो भी उस जाहिल बच्चे के हाथ। हद हो गई। मेरा ख्याल था ये औरत शायद कुछ अकल वाली हो, मगर नहीं, ये भी बाकियों की तरह जाहिली निकली। कम ऑन मम्मी, कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है जिसको आप इश्यू बना रही हैं? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो कौन सा तैयबा की कोई सगी मम्मी है या जिसका रिश्ता हो, कौन सा वो कोई सगा मामू है कि आपको फोन करके बताते? जाने दें, दफा करें, फॉरगेट इट। नो, दिस इज माय इंसल्ट, ओके? और तुम तो कहोगे ना ये, तुम्हें तो तैयबा ने पहले ही बता दिया होगा। मामू को बहने जो जा रही थी अपनी सहेली के साथ, उसने मुझे पहले नहीं बताया था। उसने सिर्फ मुझे सरसरी सा जिक्र किया था कि वो लोग चाह रहे हैं कि रुद्वा की शादी हो जाए उनके मामू से। दैट्स इट। झूठ, बिल्कुल झूठ। अभी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे बाकी तैयबा ने सिर्फ इतना ही बताया था। आप इतनी सी बात को इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हैं? इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, जब मेरे बेटे को ही मेरी इज्जत मेरी बेइज्जती की परवाह नहीं है तो दुनिया क्यों करेगी? सही बता देना मगर तैयबा को, मुझे उनके तौर तरीके बिल्कुल समझ नहीं आए और इस बात को मैं भूलने वाली नहीं हूँ। हाँ मैं बिला वजह इश्यू बना रही हूँ।